राजस्थान चुनाव से पहले राम रहीम को एक बार फिर से मिली पैरोल। 6 गाड़ियों के काफिले के साथ हनीप्रीत रिसीव करने पहुंची रोहतक। जी हां, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम फगलो मिलने के बाद आज मंगलवार को रोहतक की सुनारिया जेल से यूपी में स्थित भागवत आश्रम के लिए रवाना हुआ। वह दोपहर बाद 6 गाड़ियों के काफिले के साथ जेल से बाहर निकला, जिनमें से 4 पुलिस की गाड़ियां सुरक्षा में तैनात थी। इस दौरान सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। आपको बता दें, राम रहीम को राजस्थान चुनाव से पहले दूसरी बार 21 दिन की फरलो मिली है। इसी साल राम रहीम को 2 बार पैरोल मिल चुकी है। इससे पहले उसे 2022 में 3 सप्ताह की फरलो मिली थी। पैरोल खत्म होने के बाद उसकी ओर से फरलो की अर्जी लगाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। राम रहीम को इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग से पहले फरलो मिली है। राम रहीम राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के गुलसर मोडिया का रहने वाला है। वहां गांव में उसका बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। राजस्थान के हरियाणा बॉर्डर से लगते श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और दूसरे कई जिलों में राम रहीम के अनुयायियों की अच्छी खासी संख्या है। इन इलाकों में राम रहीम के डेरे सच्चा सौदा से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं।